बूट पॉलिश करता था, पर किस्मत का ताला ऐसा खुला, बन गया सुरों का बादशाह, दुनिया हुई मुरीद। बूट पॉलिश करता था, लेकिन गाने के शौक और उसकी मीठी आवाज ने उसे सुरों का बादशाह बना दिया। फिर उसकी किस्मत का ताला ऐसा खुला कि पूरी दुनिया मुरीद बन गई। जानिए इस नौजवान के संघर्ष और सफलता के बीच की कहानी। जूता पॉलिश करने वाले इस शख्स का नाम सनी है। आवाज ऐसी कि बड़े से बड़े लोग मुरीद हो गए। इंडियन आइडल के सीजन में सनी खूब छाए। अब सनी की पहचान सनी हिंदुस्तानी के नाम से होने लगी है। पंजाब में एक जिला बठिंडा, यहीं के अमरपुरा बस्ती की गली नंबर 1 में सनी रहते हैं। इंडियन आइडल में आने से पहले सनी पॉलिश का काम कर अपना घर चलाते थे। बिना किसी ट्रेनिंग के सनी ने इंडियन आइडल के ऑडिशन में अपनी छाप बखूबी छोड़ी। सनी के इस वीडियो को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया था और वे भावुक हो गए थे। सनी आज अपने मुकाम पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे संघर्ष की एक कहानी है। सनी के घर की स्थिति सही नहीं है। कड़ाके की ठंड में भी सनी का परिवार गंभीर हालत में रहने को मजबूर है। हालांकि परिवार को अपने बेटे से काफी उम्मीदें हैं। घर में बिना पलस्तर वाले दो कमरों में दरवाजे तक नहीं हैं, जो इस कड़कड़ाती ठंड में हाड़कंपा देने वाली हवाओं को अंदर आने से रोके। मेन गेट का टूटा दरवाजा सुरक्षा का भ्रम जरूर देता है। जब भी टीवी पर उसका शो होता है तो उसकी माँ और तीन बहनें पड़ोसी के घर जाकर देखते हैं। सनी के घर में गैस कनेक्शन नहीं है। आज भी बरसों पुराने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनती है। ईंटों से चार दीवारी कर बाथरूम बनाया है, पर उसमें दरवाजा और छत नहीं। यही कमरों का हाल है। एक कोने में तिरपाल डाल उसे रसोई का आकार दिया है। मेन गेट का दरवाजा टूटा है, लेकिन इसके बावजूद सनी एक उम्मीद की किरण इस घर में लाया है। सनी का कहना है कि भगवान ने चाहा तो वह अपनी कमाई से जल्द घर बनवाएगा। उन्हें हिमेश रेशमिया ने एक गाने के लिए और कुमार ब्रदर्स कंपनी ने साइन किया है। वह जल्द ही अपनी माँ का सपना पूरा करेगा।